हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब महिला को पीरियड होता है तो पीरियड के दौरान ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से महिला कंसीव नहीं कर पाती, तो वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनको ठीक करने का सरल आसान घरेलू उपाय जिसमें आपको मार्केट से कहीं कुछ लेके नहीं आना है, जो चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है उनसे आप अपनी इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, तरीके हम आज वो सारे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जाने कि वो प्रॉब्लम्स हैं क्या जो हमारे पीरियड से रिलेटेड हैं और जो हमें कंसीव होने में प्रॉब्लम खड़ा करती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। देखिए फ्रेंड्स, जब पीरियड्स होते हैं तो महिला के शरीर से वाइटल न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, तो उसको हमको मेंटेन करना होता है, वापस से उसको उस लेवल पे लाना होता है, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से आधी से ज़्यादा आबादी महिलाओं की स्पेसिफिक खून की कमी यानी एनीमिया से ग्रसित हैं। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि 80% महिलाओं में माइल्ड से लेके मॉडरेट पीएमएस की प्रॉब्लम होती है। पीएमएस का अर्थ है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें पीरियड आने से हफ्ते या 10 दिन पहले से महिला को प्रेग्नेंट होने जैसी बहुत सारी सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं और ये संकेत करते हैं कि हार्मोन्स का लेवल ठीक नहीं है, हमको हमारी बॉडी पे अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिसमें कि आपको पीरियड के दौरान फॉलो करना है, खान पान की जो हिदायतें हैं, जो सलाह है उसको आप आगे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी जानकारी मेरे कई वीडियोज़ में है, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। तो आइए हम सीखते हैं कि पीरियड के दौरान हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। फ्रेंड्स, पीरियड्स में सभी महिलाओं को, जिसका फ्लो कम है, फ्लो ज़्यादा है, पीरियड कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, जो भी कंडीशन है आपकी, उन सभी महिलाओं को एक चीज़ कॉमन है जो कि करनी है, वो है इप्सम सॉल्ट में फूड सोकिंग। बहुत सारी महिलाएं इप्सम सॉल्ट बाथ नहीं ले पाती क्योंकि उसके लिए उनके पास बाथटब या साधन की कमी होती है, समय का अभाव होता है। लेकिन फूड सोक एक ऐसा काम है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। आप अपनी चेयर पर बैठ जाएं, आपको टब या बकेट में इतना पानी लेना है जिससे कि आपके टखने तक पैर डूब जाए, और उसमें आपको इप्सम सॉल्ट ऐड करना है 1 टीस्पून और 10 मिनट आपको सोक करना है। इससे क्या होगा, इप्सम सॉल्ट के जो भी मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और आपको न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं होगा। दूसरी बात कि आपको डेली एक ड्रिंक लेना है, मैं कई सारे ऑप्शन बता रही हूँ, उनमें से कोई एक ड्रिंक आप ड्यूरिंग पीरियड्स जरूर लें और हो सके तो पूरे महीने इसको फॉलो करें। आपका न्यूट्रिशन लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा और फर्टिलिटी के लिए ये ड्रिंक वरदान है। अब वो ड्रिंक कौन कौन से, सबसे पहले अनार, ये आपको एक ग्लास लेना है जिसको कि ml में हम 200 ml मान सकते हैं। आप या तो अनार का जूस लीजिए या फिर एक ग्लास, एक कप 200 ml टोमेटो का सूप लीजिए। टोमेटो का जूस इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि टोमेटो पके हुए फॉर्म में हमारी फर्टिलिटी के लिए यूज़फुल होता है, रॉ आपको नहीं लेना चाहिए। या फिर आप पालक का सूप ले लीजिए, टोमेटो और पालक का मिक्स सूप भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर सीज़न है या अवेलेबिलिटी है तो आप गाजर और चुकंदर का मिक्स जूस भी ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ आप ऑप्ट कर लीजिए जो आपके लिए आसान है और उसे आप पीरियड के दिनों में ज़रूर ज़रूर लीजिए और हो सके तो पूरे महीने उसको फॉलो कीजिए। बैलेंस्ड डाइट, आपको खाने में सब कुछ खाना है, दाल भी खानी है, सब्जियाँ भी खानी है, अनाज भी खाना है जो कि कोशिश करें कि होल ग्रेन हो, साबुत अनाज ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, रिफाइंड जो भी होते हैं मैदा वगैरह उनको आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो। इसके अलावा आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत सपोर्ट करता है पीरियड्स के दौरान आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में, क्योंकि पीरियड एक ऐसा मेकेनिज़म है जिससे कि महिला के शरीर से गंदगी बाहर निकलती है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम महिलाओं के लिए कि हम उस समय अपनी बॉडी को सपोर्ट कर दें ताकि वो गंदगी शरीर से निकाल सके। तो आप जितना अच्छा फ्लूड इनटेक रखेंगे, पानी सबसे अच्छी चीज़ है, पानी पिएं, शरबत पिएं, जूस पिएं, इससे आपकी बॉडी को डिटॉक्स होने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या पीरियड्स में एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका समाधान बस इतना है, आप पीरियड्स के दौरान हल्की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉक कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति ना करें, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। इससे आपको एक लाभ होगा कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज न करने से आप जब पड़े रहते हैं दिन भर, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे जो आपको फील गुड कराएंगे, आपको पॉजिटिविटी देंगे और आप एनर्जेटिक रहेंगे। अब बहुत सारी महिलाएं ये सोच रही होंगी कि हमारा फ्लो काफ़ी हैवी होता है तो क्या ये सही है। फ्रेंड्स,
3 से 5 दिन तक पीरियड्स आना बिल्कुल ठीक है, ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर आपका फ्लो और भी दिनों तक आगे तक चलता है, बहुत ज़्यादा फ्लो है और जिससे कि आप थका महसूस करती हैं, शरीर में कमज़ोरी रहती है, पैरों में दर्द होता है, तो आप सॉफ्ट ड्रिंक का मेरा एक वीडियो है, आप उसको देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक बनाना सीखिए। और सॉफ्ट ड्रिंक को आप बहुत ज़्यादा फ्लो अगर आपका है, नॉर्मल कंडीशन है, आपको एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, आपको फाइब्रॉइड नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है आपकी, और तब भी फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो बॉडी हीट को हमको लो करना होगा। वीट ग्रास भी ले सकते हैं, वीट ग्रास पे भी मेरा वीडियो है, आप उसको अच्छे से समझें, सीखें और उसके बाद उसको फॉलो करना स्टार्ट करें। तो वीट ग्रास और सॉफ्ट ड्रिंक हैवी फ्लो के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जिस पर मैंने वीडियो किया है, गोंद कतीरा। तो जो वीकनेस आ जाती है हैवी फ्लो की वजह से पीरियड्स में, तो गोंद कतीरा भी हम शरबत में नींबू पानी में मिला के ले सकते हैं, इनको आप उन वीडियो से सीख सकते हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे कि जिन महिलाओं को 1 या 2 दिन पीरियड आके चला जाता है, खुल के पीरियड नहीं आता है। अब फ्रेंड्स, कई बार ये सवाल आता है कि हमारा पीरियड ठीक है या नहीं, हम कैसे समझें, तो उसके लिए पीरियड के कलर से पीरियड को समझा जा सकता है और इस पर मेरा वीडियो है, आप उसे बहुत अच्छे से देखें, समझें, अपने पीरियड्स की कंडीशन को समझें, उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से टिप्स को फॉलो करना है। तो अब हम ये जानेंगे कि जिनका फ्लो बिल्कुल कम है और अगर एज भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप सन बाथ जरूर लें। सुबह की गुनगुनी धूप में 20 से 25 मिनट आप ज़रूर बैठें, आप क्रोमाथेरेपी भी कर सकते हैं। इन सभी विषयों पे मेरे वीडियो हैं, उनसे आप सीखें ताकि आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें। अगली बात कि अगर फ्लो बहुत कम आता है तो आपको पूरे महीने अजवाइन ड्रिंक लेना चाहिए, अजवाइन का पानी लेना चाहिए। अब अगर किसी को गर्म पीने से प्रॉब्लम होती है तो आप उसको नॉर्मल ठंडा करके, नॉर्मल पानी जैसे पीते हैं आप, उस तरीके से पी सकते हैं। अजवाइन ड्रिंक कैसे लेना है उसके लिए भी आप मेरे वीडियो को देख के बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। फ्लो अगर कम है तो आपको पपाया का सेवन अच्छे से करना चाहिए। जो नाश्ते और लंच के बीच का गैप होता है, उस समय आपको थोड़ा पपाया खा लेना चाहिए। इसके अलावा बैलेंस्ड डाइट में आप क्विनोवा को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, प्लांट प्रोटीन का सोर्स है, जो कि WHO के मुताबिक एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। अगर आप इनफर्टिलिटी की किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपको खाने में तेल और रेड चिली को कम यूज़ करना चाहिए। रेड चिली की जगह आप ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं, हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, लाल मिर्च की जगह या फिर काले मिर्च को यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए YouTube सहेली को देखते रहें। जल्दी मिलूंगी नए विषय के साथ, आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।